1919 में जब साउथ कोरो कमीशन बैठा तो साउथ कोरो कमीशन ने शुरुआत की थी जो जगदेव बाबू साहब ने बोला था 90% अगर जनसंख्या हमारी है तो 90% भाग हमारा है। हमारे बहुजन समाज की अपनी है जो करीब 89.5% है। 129.6 करोड़ जनसंख्या जो है विषय वस्तु में अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें बिल्कुल वहां से देखना होगा कि आज ये जो हमारी अखबारी कर रहे हैं तो अखबारी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंजस्टिस तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंजस्टिस है उनको हमको दूर करना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें हिस्ट्री से जाना पड़ेगा कि आज अगर देखते हैं हमारी जो जनसंख्या है आज 144 करोड़ जनसंख्या है करीब 129 करोड़। डिप्रेस क्लास से तो डिप्रेस क्लास में वहां पर देखा किस तरीके से जो सामाजिक विद्वेष फैला हुआ है और सामाजिक सद्भाव नहीं है और किस तरीके से आपसी जातियों में जब विभेद है और उसको उसके तौर पर जितना जिस तरीके से प्रस्तुति नहीं है तो उसके ऊपर में उन्होंने गणना की और उसमें नाइन पॉइंट के विषय के ऊपर में उन्होंने उसका आकलन किया और उसके आकलन करने के बाद में ये पाया कि हमारे जो शुभ कास्ट हैं और जनजाति हैं और हमारे ओबीसी हैं उनको की बहुत जरूरत है। और उन्होंने देखा है जो लोग आज जो सत्ता में बैठे हैं उनका खुद का विचार था कि जो सत्तासीन है उनका चरित्र न्यायिक नहीं है। जब तक अगर आपको इनका प्रतिनिधित्व देना है तो इनको उनके प्रतिनिधित्व के लिए इनको आगे जनगणना करनी पड़ेगी और जनगणना करके उनको इंक्लूसिव ग्रोथ के तौर पर उनको आगे लेके आना पड़ेगा। तो पहली जनगणना साउथ कोरो कमीशन के बाद में 1931 में हुई तो उसके बाद में जितने भी हमारी जो पॉलिसीज बनी तो वो उसी जनगणना के आधार पर बनी है। और पिछले 1951 के बाद में हर साल 10 साल के साथ अंतराल पर जनगणना हुई लेकिन अभी देखा गया है 2011 के बाद से जनगणना नहीं की गई है। क्योंकि ये जनगणना क्यों नहीं की गई है क्योंकि इनको मालूम है जिस तरीके से प्रतिनिधित्व अगर बढ़ेगा तो कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व मात्र 3% है जो कि आज 90% जगह पर सत्ता में सत्तासीन है। तो उनको लगा अगर ये लोग अगर सत्ता में रहेंगे तो उनको आज पंचायत का प्रधान भी निर्भर करना मुश्किल होगा। तो उन्होंने कोशिश की कि किस तरीके से इन लोगों को डिवाइड किया जाए। तो इसलिए इन्होंने आज ये जो इसके मुद्दे पर हम लोग वर्गीकरण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो ये वही बलवादी और जो सोच वाले लोग हैं जो जिस तरीके से हम लोगों को डिवाइड करके तहत आज उसको सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस वर्गीकरण के मुद्दे पर पूरा का पूरा पिटीशन जो 565 पेज का था 7 जनवरी दिया उनकी पूरा अवलोकन किया पूरी विवेचना की और विवेचना करने के बाद में हम लोगों ने एक कंसल्टेटिव ओपिनियन बनाई कि अगर हम अपनी हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या ये हक की आवाज़ क्या मजदूर उठाएगा या किसान उठाएगा। ये अगर पढ़ा लिखा तबका अगर आगे नहीं आता है तो हम अपने पढ़े लिखे होने पर उसमें मतलब हम लोग अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाएंगे। और अगर उत्तरदायित्व नहीं निभाया तो मुझे लगता है हम लोग इसके साथ में अन्याय करेंगे। तो इसके ऊपर में हम लोगों ने पिटीशन डाली और हम लोगों ने देखा आखिर इन लोगों को चोट कहाँ पहुंचती है। तो इन्होंने देखा चोट का एक अक्सर इन्होंने देखा प्रतिनिधित्व तो की सबसे बड़ी समस्या है। तो उन्होंने देखा कि जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है एम्प्लॉयमेंट तो उन्होंने बोला सबसे पहले सोचा इसको एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से कम किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से जो रिजर्वेशन हमारी जनसंख्या चाहे भले 20% है उत्तर प्रदेश में हरियाणा में 20% है नेशनल लेवल का 15% एससी की है 27% लोग ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया जबकि जनसंख्या के आधार पर 42 से 52% तक केवल जनगणना की रिपोर्ट आई है। और इस तरीके से जब हमने बिहार से भी देखा बिहार की भी जनगणना की रिपोर्ट आई है तो उसके आधार पर अगर प्रतिनिधित्व अगर मिलता है तो अगर प्रतिनिधित्व मिलता है तो हमारे लोग आगे आएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि इनके जो संगठन है जो सामाजिक संगठन है या आवाज क्यों उठा रहे हैं अगर आवाज उठा रहे हैं तो इनके पीछे कौन है। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि
कि जो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट उनका जो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज है वो एम्प्लॉयज इनको सहयोग कर रहा है और ताकत दे रहा है। अगर हम सहयोग और ताकत को अगर इसका खुद कर देंगे तो 100% ये किसी भी तरीके से आप आगे उठा पाएंगे और ये निरंकुश तौर पर अपना शासन लागू करते रहेंगे। तो ये जो वनीकरण का मुद्दा है जिसके ऊपर उन्होंने कोशिश की है, तो वनीकरण के मुद्दे पर इसकी एकमात्र सोच रही है कि इनको किसी तरीके से डिवाइड कंट्रोल किया जाए। तो वनीकरण में हमने देखा तो आज अगर हमारा जो रोस्टर है रोस्टर पॉइंट के तौर पर आज 100% के हिसाब से अगर 100 को डिवाइड करते हैं 15 के हिसाब से तो 7th पोजीशन आती है। 7th पोजीशन के हिसाब से हर जितने भी एससी वर्ग में 1100 जातियां जितने भी शामिल हैं वो सारे की सारी जातियां उस 7th पोजीशन के लिए एंटाइटल्ड हैं। और अगर इनको डिवाइड कर देते हैं तो ये संख्या कम हो जाती है। तो जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का देख लेंगे तो 4 करोड़ 13 लाख जनसंख्या है, उसमें से 2 करोड़ 24 लाख एक मुख्य जाति है जिसमें उनका 54% रिप्रेजेंटेशन है। अगर उनको 54% जगह अगर एक जगह कर देते हैं तो बाकी 40% जो है वो 63 जातियां आती है। अगर 63 जातियों को अगर 40% में डिवाइड करेंगे तो किसी की 1% 2% की जनसंख्या आती है। तो हमारा ये समाज जिसको आजकल सबसे आगे लाया गया है तो 0.5% का, तो अगर ये वर्गीकरण होता है तो उसका रोस्टर पॉइंट में 200 नंबर पर आता है। तो अगर जब तक 200 वैकेंसी नहीं निकलेगी तब तक उसको एक भी सीट नहीं मिलेगी। तो आज हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को डिवाइड ना किया जाए और जो वर्गीकरण के तौर पर इसको हम लोगों को डिवाइड ना किया जाए। तो आज 15% के हिसाब से अगर 7th पोजीशन को मौका मिल रहा है तो आज हर बंदा चाहे सांसी जाति है चाहे कोई भी जाति है उन जातियों को मौका मिल रहा है कि 7th पोजीशन तक वो आज दे सकते हैं, अदरवाइज उनको इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरीके से आज हरियाणा में इलेक्शन हो रहा है उसमें 20% मात्र रिजर्वेशन है, हर 5th पोजीशन पर आज कोई भी किसी भी जाति का अपना वहाँ पर अपना हक अधिकार कर सकता है तो हक अधिकार के लिए। लेकिन अगर डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर आज हमने देखा है कि आदिवासी की जाति है जब तक 27वीं पोस्ट का पहला पोस्ट जो आता है 27 पोस्ट अगर नहीं मिलती है तो 27 पोस्ट नहीं मिलेगी तो उनको एक भी अगर 10 पोस्ट की वैकेंसी निकलती है तो उनको कोई वैकेंसी नहीं मिलेगी। लेकिन आज की डेट में अगर 5% अगर कंबाइंड रहते हैं तो उनको पहली पोजीशन मिल सकती है। और इसलिए हमें सबसे ज्यादा पूरे इसके ऊपर में एक वर्गीकरण नहीं होने देना है, सबको यूनाइट होना है और उसके ऊपर में सभी को समझाने की जरूरत है कि ये हमको डिवाइड एंड रूल करने की उनकी कोशिश है। तो इसके तहत हमें इसको समझाना होगा। और आज अगर हम देखते हैं आज हमारे अगर मौका मिल भी जा रहा है तो पहले दिन जो किया जा रहा था कि नॉट अवेलेबल बनाया जा रहा था आज नॉट फाउंड सुटेबल किया जा रहा है। तो नॉट फाउंड सुटेबल के ऊपर मैं एक और सुझाव नॉट फाउंड सुटेबल अगर सिविल सर्विसेज के एग्जाम होने पर अगर सिविल ऑफिसर तो 2 साल की ट्रेनिंग के तहत करने के बाद में उनको सूटेबल बनाया जा सकता है तो क्यों नहीं। हमारी जितने भी SC ST OBC के जितने भी प्रतिनिधि हैं जितने भी कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्ट किया जाए, उनको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाए और उसका बजट में प्रोविजन किया जाए। अगर बजट में प्रोविजन नहीं है तो इसका प्रावधान उनकी सैलरी में से काट कर भी किया जा सकता है, नहीं तो SC PP और SC ST SP और SP में प्रावधान करके उनका उनको प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो मुझे लगता है अगर हम इसके ऊपर में काम किया तो हम लोग इसके ऊपर में जरूर कामयाब होंगे। और हमने इन्हीं मुद्दों के ऊपर में अपने पंजीकरण के ऊपर में पिटीशन डाली है। पिटीशन का नंबर हम लोग बताना चाहूँगा, पिटीशन का नंबर है हमारा 3955 2 4 2 4। इसके तहत पर हमारी डायरी नंबर है और हम लोगों ने इसके ऊपर पूरी कोशिश की है। हम चाहेंगे कि हम अच्छे से अच्छा सीए काउंसिल आपके तौर पर इस रिव्यू पिटीशन में वहाँ पर हमारा केस लड़ेगा और हम इसी के साथ में आपके सहयोग आप सभी लोगों का सहयोग की आकांक्षा है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।